हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज महक एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने फ्रेजनल बाइप्रिज्म की एप्लीकेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने थिकनेस ऑफ थिन फिल्म फाइंड आउट की थी। अब उसी से ही रिलेटेड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज सॉल्व करने वाले हैं। सो हियर अ प्रॉब्लम इज गिवन, और यहाँ पर हमें बोला गया है कि अ ग्लास शीट ऑफ थिकनेस 3.4 × 10⁻⁶ मीटर इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेरिंग बीम्स इन द बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। द सेंट्रल फ्रिंज इज फाउंड टू शिफ्ट थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू विड्थ ऑफ फोर फ्रिंजेस। कैलकुलेट द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास शीट एंड द लैम्डा इज गिवन, इट इज इक्वल टू 5893 एंगस्ट्रॉम्स। तो यहाँ पर हमें जो न्यूमेरिकल में दिया गया है, प्रॉब्लम में दिया गया है, इसमें बोला गया है कि एक ग्लास की थिन शीट जिसकी थिकनेस इतनी है, वो दोनों में से किसी भी एक इंटरफेरिंग बीम के रास्ते में रखी गई है, और उस शीट के रखने की वजह से जो सेंट्रल फ्रिंज की पोजीशन में चेंज हुआ है, वो इतने इक्वल टू विड्थ ऑफ फोर फ्रिंजेस की विड्थ के इक्वल डिस्टेंस से उसने शिफ्ट कर लिया। अब हमसे पूछा गया कि कैलकुलेट द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास शीट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको शीट की थिकनेस टी दिया हुआ है, यहाँ पर लैम्डा भी दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको सेंट्रल फ्रिंज का जो सेंट्रल फ्रिंज की जो शिफ्टिंग है वो भी बताई गई है कि कितनी है, और यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो हमने लास्ट वीडियो की डेरिवेशन में हमने एक फॉर्मूला डेराइव किया था, और उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो थिकनेस ऑफ थिन शीट है उसको हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज इक्वल टू वाई नॉट इंटू लैम्डा डिवाइड बाई बीटा इंटू म्यू माइनस वन। लास्ट वीडियो में हमने ये एक्सप्रेशन डेराइव किया था, जिसमें वाई नॉट जो था वो सेंट्रल फ्रिंज का डिस्टेंस था, सेंट्रल फ्रिंज इस डिस्टेंस पर मिल रहा है, और लैम्डा जो था वो उस लाइट की वेवलेंथ थी, बीटा जो है फ्रिंज विड्थ है, म्यू जो है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है उस शीट के मटेरियल का। तो यहाँ पर अब हमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं, हमें टी दिया हुआ है, हमें टी की वैल्यू गिवन है, हमें लैम्डा भी दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमसे पूछा गया, और हमें यह भी बताया गया है कि जो सेंट्रल फ्रिंज है वो कितना शिफ्ट हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया कि जो सेंट्रल फ्रिंज है, जिसको वाई नोट से डिनोट कर रहे हैं, सेंट्रल फ्रिंज इज शिफ्टेड थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू विड्थ ऑफ फोर फ्रिंजेस। यानी अगर हमने बात की थी कि बीटा जो है एक किसी भी फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ है, और यहाँ पर हमें बोला गया कि जो सेंट्रल फ्रिंज है वो फोर फ्रिंजेस के फ्रिंज विड्थ के इक्वल शिफ्ट हो गया, इतने डिस्टेंस के साथ शिफ्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रल फ्रिंज है वो आपको फोर बीटा डिस्टेंस पर मिलेगा। तो यहाँ से आपको वाई नॉट की वैल्यू भी पता लग गई। तो यहाँ से अगर हम इन सब चीजों की वैल्यू पुट करें तो हम म्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, म्यू माइनस वन को इधर ले जाऊं, तो म्यू माइनस वन इज इक्वल्स टू वाई नॉट लैम्डा डिवाइड बाय बीटा इंटू टी। और यहाँ पर अगर मैं y नॉट की वैल्यू पुट करूँ तो ये हो जाएगा म्यू माइनस वन इज इक्वल टू y नॉट जो है वो 4 बीटा के इक्वल गिवन है, तो यहाँ पर डाल दीजिए 4 बीटा इंटू आपको जो लैम्डा है, वेवलेंथ है जो दीवार गिवन है वो लिखा हुआ है, वो है इक्वल 5893 एंगस्ट्रॉम्स डिवाइड बाय बीटा इंटू थिकनेस आपको दी हुई है शीट की, और वो थिकनेस है 3.4 × 10⁻⁶ मीटर्स। तो यहाँ से देखिए, बीटा से बीटा कैंसिल हो सकता है, और एक और बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो एंगस्ट्रॉम्स में गिवन है, और यहाँ पर थिकनेस जो है वो मीटर में गिवन है, तो दोनों को ही आपको सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए एंगस्ट्रॉम्स को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, और हमें पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁰ मीटर्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू 4 × 5893 × 10⁻¹⁰ मीटर डिवाइड बाय 3.4 × 10⁻⁶ मीटर प्लस 1। ये म्यू माइनस वन से जो माइनस वन था इसको उस साइड ले गए और ये प्लस वन हो गया, और यहाँ से आप म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर दें। जब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आती है वो 0.69 आती है प्लस 1। तो यहाँ से क्योंकि मीटर से तो मीटर कैंसिल हो गया, तो जो अभी वैल्यू मिलेगी वो आपको
विदाउट एनी यूनिट मिलेगी. सो यहाँ पर म्यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1.69 हो जाएगा. यानी कि जो ट्रांसपेरेंट शीट, ग्लास की ट्रांसपेरेंट शीट आप यूज कर रहे हो, उसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो 1.69 है. तो इस तरीके से अगर कोई भी आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल दिखता है तो आप उसको इजिली हैंडल कर सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है और इस एक्सप्रेशन से आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर आपको सेंट्रल फ्रिंज का डिस्टेंस भी पता है और अगर आपको बीटा मालूम है और अगर आपको म्यू पता है तो आप टी फाइंड आउट कर सकते हैं. दो तीन तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से अराइज हो सकते हैं. किसी में थिकनेस फाइंड आउट करने को पूछा जाए, किसी में आपसे फ्रिंज विड्थ ही पूछ सकते हैं, किसी से आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ही पूछ सकते हैं और किन्हीं किन्हीं क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट्रल फ्रिंज की शिफ्टिंग कितनी हुई. तो इस तरीके से आपको तीन या चार तरीके के क्वेश्चन जो है वो सेम फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से इन्हें ट्रीट करना है. सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो लॉयड्स मिरर पढ़ेंगे. और टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू.